अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है Adobe PhotoShop CC 2020। बेसिकली ये Adobe PhotoShop का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है और प्री एक्टिवेटेड वर्जन है। इसमें आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आपने क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साथ ही आपके सामने एक नया मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पर आपने सेव और डाउनलोड का बटन दबाइएगा तो फ़ाइल आपके पास ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो जब आप फाइल को डाउनलोड कर लें तो आइए मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। डाउनलोड करने के बाद बेसिकली ये ज़िप फाइल है, आपने इसी ज़िप फाइल पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर का बटन दबा दीजिएगा। जी अभी आपकी फ़ाइल अनजिप हो रही है। बेसिकली ये प्री एक्टिवेटेड वर्जन है, इसमें आपने सिंपल एक यही एहतियात करनी है कि जो ही आपके पास इसकी प्रोग्राम की न्यू अपडेट अवेलेबल होती है, मतलब आपको मैसेज आता है न्यू वर्जन आर अवेलेबल डू यू वांट टू अपडेट नाउ, तो आपने उसको कैंसिल कर देना है, मतलब प्रोग्राम को अपडेट नहीं करना। तो मैं मज़ीद आपको गाइड करता हूँ। ये देखें अभी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं फाइल्स, उसके बाद आप इस फोल्डर को ओपन कर लें। अभी आप देख सकते हैं ये सेटअप डॉट एक्जी फाइल है। इसको चलाने से पहले आपने क्या करना है, इंटरनेट का कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर लेना है। नेट का कनेक्शन डिसकनेक्ट कर लिया, उसके बाद अभी आप इस फाइल का सेटअप चला दें। जी यस का बटन दबाएं, इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहने दें और कंटिन्यू का बटन दबा दें। Thank you.
जी भी आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, आप इसे क्लोज कर दें। उसके बाद अभी अब हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। जी अभी आप देख सकते हैं प्रोग्राम आपका ओपन हो चुका है। ये देखें हम फोटोशॉप को यूज़ करते हैं, क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ से अब अपनी मर्ज़ी का पेज साइज़ वगैरह, फाइल नेम जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। जी अभी आप देख सकते हैं मुकम्मल टूल बार कंप्लीट ऑप्शंस वगैरह के साथ है ये प्रोग्राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल के आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।